फलाहार इंशाल्लाह आना भी। और दूसरा है हमारे अलमिया देखेंगे तहसील हेडक्वार्टर हमारा रुझान, वहां पे गर्ल्स कॉलेज नहीं है, उस वाले से भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। और बहुत दीगर बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि, लेकिन मेन प्रोजेक्ट्स यही है हमारे इलाके के। और जैसे कि मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की, हमारे वहां के सर्कल के DSP साहब हैं, हालात आप जानते हैं, हालात कच्चे के क्या हालात हैं, उनके पास वहां पे रिहायशी जगह नहीं है। आप काइंडली IG साहब भी बैठे हुए हैं, SP साहब से भी और RPO साहब से मेरी बात हुई इस हवाले से, उधर उनके लिए रेजिडेंशियल काइंडली उसका वो आप ऐलान करें और उसका लाजमी बनाए। बाकी जो प्रोजेक्ट हैं हमने इसमें दिए हैं तो पेपर हमने तैयार किया हुआ है, उसमें भी मेहरबानी होगी कि आप उसमें मेहरबानी करके खसूसी शफकत करें, जैसे आप DG खान में आप जोर शोर से बढ़ चढ़ के काम करें, इधर भी वो काम किया जाए। अगर आप उधर इधर ज्यादा काम करें तो एटलीस्ट 10% करें, हमारे कितना भी बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। गुलजार साहब आप आए हैं राजेंद्रपुर में, आप बड़ी मेहरबानी, हमारे कोई मसायल हैं हमारे जिला के भी हमारे तहसील के भी कुछ मसायल, तो हम आपको अपनी जगह भी बता सकेंगे कि ज़्यादा हम शिकायत नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे हमारा जो तहसील है वो सबसे बैकवर्ड तहसील है पंजाब का। आप ये देख लें कि जामपुर राजेंद्रपुर और रुझान में बहुत बड़ा फर्क है। मैं बड़ा हैरान हुआ हूं कि अभी ये पुलिस की आपकी भर्तियां हुई हैं, 186 भर्तियां हुई हैं जनाब आपकी हमारे डिस्ट्रिक्ट की। आपको पता है हमें सिर्फ 5 बंदे हमारे हुए भर्ती राजेंद्रपुर रुझान तहसील के, इसमें क्योंकि हमारे पास एजुकेशन नहीं है हमारे हमारी तहसील में, ये वेरी बैकवर्ड, हमें नौकरी का कोटा भी बहुत कम मिलता है हमारे तहसील रुझान को, हमारे पास रेजिडेंस नहीं है, ना आपका AC का रेजिडेंस है, ना DSP का रेजिडेंस है, ना थानों में भी मुसीबत है। आपका रुझान ताला हमारा पता नहीं काफी अच्छे से बन रहा, अभी तक बना नहीं है। दूसरा हमारे दो मसले बहुत अहम होते हैं जी, एक हमारा लॉ एंड ऑर्डर, एक पानी का। अगर लॉ एंड ऑर्डर हमारा मसला हल हो जाए, उम्मीद करते हैं जो नया सेटअप है अलग करे, हम भी इनके साथ बिल्कुल ताउन के, हम इनकी शिकायत नहीं करते, हम इनके साथ ताउन करने को तैयार हैं, हर तरीके से ताउन करेंगे। लेकिन कुछ आपके आपके जिम्मे भी पड़ता है, क्योंकि आप जिस किस्म के यहाँ पोस्टिंग होती रहेगी है, आप यंग आदमियों को यहाँ भेजते हैं, वो डर जाते हैं, वो दे कान पे जो स्टेप होना उठाना पड़ता है उनका अपना एक कैरियर होता है, वो डरते हैं। हमने आपको आपने और हमने सबने पुलिस को इस चीज डर से निकालना टेक सम बोल्ड स्टेप्स। इनके ऊपर बड़ा दबाव होता है, मीडिया का दबाव होता है, ये कहते हैं कहीं कुछ ना हो जाए, हम सस्पेंड ना हो जाए तो पुलिस वाला या DSP या बड़ा, आजकल ये बड़ा ट्रेंड बन गया है थ्रू आउट पाकिस्तान, कोई बोल्ड स्टेप लेता है कोई पुलिस वाला उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। ये नहीं देखते कि हमारा इलाका जो है, जो हम जिनके साथ वी आर फेसिंग, जो बदमाश है, आप ये वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं है।